एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और अभी बज गए हैं 9:15। और बड़ी बेटी का आज एग्जाम था, जैसे कि मैंने आपको बताया था फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो वो एग्जाम देने गई है। छोटी बेटी घर में ही है, वो अपनी रिविजन कर रही है, उसका एग्जाम कल है। और हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए हैं, तो अभी मैं मॉर्निंग का काम मेरा जो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है और अभी मैं जा रही थी काम स्टार्ट करने, तो सोचा आज इस रूम के ना कर्टन्स चेंज करती हूँ। यहाँ पे मैंने येलो कर्टन्स लगाए हुए थे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है मैं चेंजेस करती रहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये येलो कर्टन्स लगाए हुए थे, तो वही मैं आज चेंज करने वाली हूँ। क्योंकि लाइट कलर है तो थोड़ा से गंदे हो गए थे, हाथ वाथ लग जाते हैं बाथरूम वगैरह से आते जाते इधर उधर करते, तो वही मैं चेंज करने वाली हूँ और यहाँ पे कर्टन चेंज करूंगी। और यहाँ पे सेटअप मैंने कर लिया है, चेयर ले आई हूँ, उसके ऊपर चढ़ के चेंज करूंगी। और उधर वाले रूम के भी, बच्चों का रूम है जो, उसके मैं कर्टन चेंज करने वाली हूँ। पर्पल कर्टन लगवाए थे उस टाइम पे, जो मिला वही लगा दिया, लगाए थे इस रूम में इस कलर के कर्टन्स, तो इनको भी मैं चेंज करने वाली हूँ। ये गंदे तो नहीं हुए लेकिन थोड़े से डार्क से लग रहे हैं, तो क्या करूँ, चेंज कर दूँ कि यही लगे रहने दो? यही लगे रहने दो, चलो ठीक है। और ये कह रही है कि यही वाले लगे रहने दो, तो यही लगे रहने देती हूँ, उनको पसंद है ये कलर। रूम के मैं चेंज कर लेती हूँ कर्टन्स, और येलो कर्टन्स हैं तो वैसे तो थोड़े ब्राइट से अच्छे से लगते हैं लेकिन गंदे जल्दी हो जाते हैं, तो मैं एक चेंज कर लेती हूँ इनको। तो चलिए लगते हैं काम पे। तो चलिए लग जाते हैं काम पे और स्टार्ट करते हैं कर्टन चेंज करना। और ये तो नॉर्मली मैं खुद से ही कर लेती हूँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे कई बार पेज वगैरह अटक गया तो फिर हस्बैंड की हेल्प लेती हूँ, अदरवाइज ये खुद ही मैं कर लेती हूँ चेंज करना इधर उधर, मतलब ऐसे काम छोटे मोटे जहाँ पे हाथ चले जाएँ, पंखा साफ़ करना। और अभी कर लेते हैं। और ये वाले जो ग्रे कर्टन्स थे ये हमारे हॉल में लगे हुए थे, तो अभी पीछे जब मैंने हॉल के कर्टन्स वॉश किए थे तो वहाँ पर मैंने चेंज करके ग्रीन कर्टन्स लगा दिए हैं, मिक्स एंड मैच करके। और क्योंकि जो हमारा हॉल में वॉलपेपर लगा हुआ है वो ग्रीन कलर का है, तो इसीलिए उसी से मैच करते हुए कुछ, तो यहाँ के कर्टन्स तो मैंने चेंज कर दिए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अभी बेडशीट चेंज करूँगी और ये नीचे, ये भी इनको भी धोने में डाल दूँगी। तो चलिए बेडशीट्स वगैरह अपनी कर लेते हैं, सुबह कैसे ही पड़ा हुआ है मैस। तो अभी कर्टन चेंज कर दिए हैं। अभी ये सुबह, आपको पता है सुबह कितनी हसल बसल होती है, वैसे मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो अपना पानी वगैरह लेके फ्रेशन अप होके उसके बाद मैं एक बार झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ मॉर्निंग में, लेकिन फिर बच्चे सोए होते हैं इधर, हस्बैंड सोए होते हैं तो फिर वो थोड़ा लेट उठते हैं, तो फिर इसलिए ये सब चीज़ें रह जाती हैं। फिर मैं किचन में चली जाती हूँ, किचन के काम करती हूँ, तो फिर इन सबको फोल्ड करना इधर उधर, तो ये रह जाता है, तो इसीलिए फिर इसको बाद में जब मैं अपना काम शुरू करती हूँ फिर एक ही बार कर लेती हूँ, तो इसीलिए ये सब फैला हुआ है। तो अब बस बेडशीट चेंज कर दूँगी। और बीच में, वैसे मैंने फ्राइडे को बेडशीट चेंज किया था लेकिन बीच में छुट्टी आ जाती है ना जब वीकेंड पे, तो फिर सारा दिन आपको पता ही है बिस्तरे में टीवी देखना, बैठना, उठना, सोना, ये सब तो ज़्यादा होता है। तो फिर मैं आफ्टर वीकेंड, जैसे सैटरडे संडे, आज मंडे हो गया, तो फिर मैं बेडशीट्स चेंज कर देती हूँ, ऑलमोस्ट मंडे को मैं चेंज कर ही देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा लगता है। तो चलिए बेडशीट मेरी हो गई है चेंज, और इसके साथ मैंने ग्रे पिलो कवर लगा दिए हैं ताकि कर्टन से थोड़ा बहुत मैच सा हो जाए, और ये बेडशीट इस वाले कर्टन्स के साथ बहुत अच्छी जा रही थी। उसके बाद अब उधर वाले रूम की भी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है, कर्टन चेंज कर दिए हैं, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। तो अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा के मॉपिंग कर लूँ। तो मॉपिंग स्टार्ट कर दी है मैंने करनी, तो इसका मैं लेके आई थी अटैचमेंट मॉप, तो वो मैंने चेंज कर दिया था। मैं आपको कह रही थी ना, जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग वाला, उसमें मैंने दिखाया था कि दो लेके आई हूँ, तो एक मैंने अटैचमेंट इसमें लगा दिया था, तो एक ये है अंदर के लिए। यही वाला पोछा मैं इस्तेमाल करती हूँ समटाइम्स, कभी कभी जैसे बैठ के भी मैं लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ इसी से ही क्लीन हो जाता है तो मैं इसी से कर लेती हूँ।
तो मॉपिंग कर लूँगी। उसके बाद मैंने कपड़े वॉशिंग में लगाए हुए हैं, तो वो कपड़े निकाल के फिर कपड़े सुखाने में डाल दूँगी। और आज का मौसम ना, वेदर 2-3 दिन से बहुत अजीब सा हो रहा है, बादल उसी टाइम बादल हो जाते हैं, फिर धूप हो जाती है, फिर एकदम से बादल हो जाते हैं, हवा चलती है, यानी कि बीमार करने वाला मौसम है। उसी टाइम गर्मी लगने लग जाती है, धूप होती है तो गर्मी लगने लग जाती है, जैसे ही बादल होते हैं हवा चलती है तो वैसे ही ठंडी सी महसूस होती है। तो समझ में नहीं आता कैसा वेदर है, तो इस वेदर में ना थोड़े से अपना ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर गर्मी लगे तो एकदम से कपड़े वगैरह पहने हुए ना उतारें, और अगर ठंड लगे तो एकदम से ज़्यादा भी ना पहने। तो ठीक ठाक वाला मौसम है। तो अभी बच्चे कह रहे थे कि ब्लैंकेट से रात को गर्मी लगती है, तो मम्मा ब्लैंकेट्स रख दो, तो अभी मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि इस वीक में क्लाउडी सा थोड़ा वेदर ऐसे ही बता रहा है, तो एकदम से फिर ठंड लगती है। तो इधर वाले रूम में मैं दिखा रही हूँ आपको, कर्टन मैंने चेंज कर दिया, बेडशीट चेंज कर दी, और उधर बुक्स आपको फैली हुई लग रही होंगी टेबल में, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो फिर वो अपने हिसाब से पढ़ के जैसे रखते हैं, मैंने वैसे ही रख दी, टच नहीं की, क्योंकि फिर मिलने में टाइम लगता है, इधर उधर मैं रख दूँ संभाल के फिर उनको मिले ना, इसलिए फिर मैंने बोला कि एग्ज़ाम्स तक ऐसे ही रहने दो, जैसे आपको अच्छा अच्छे से मिल जाता है, कंफर्टेबल है, वैसे ही आप अपनी बुक्स रख लो। तो ये वाले कर्टन्स मैंने बाहर लगा दिए थे मिक्स एंड मैच करके, जो सेंटर में 2 कर्टन्स लगे हैं वो मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे, और साइड्स वाले मैंने न्यू लिए थे, वो भी पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे आराध्या बैठ के आज बाहर पढ़ रही है सोफे में, तो उसने कुशन वगैरह सब हिला दिए हैं, तो वही मैं ठीक कर रही हूँ। बस अब सारा काम मेरा हो गया है, ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, तो बड़ी वाली बेटी मेरी गई है स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए, तो बस वो आ जाएगी अब 45 मिनट्स, 12:30-1 तक, तो उसके लिए लंच बनाना है, मतलब हमारे लिए भी लंच बनाना है, तो फटाफट से मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। तो ये सब कुछ हो गया है, बस मुझे कपड़े निकाल के सुखाने हैं, कपड़े सुखा दूँ फिर लंच की तरफ लगूँगी। तो बाहर का वेदर मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे धूप लगी है, लेकिन धूप नहीं है, बादल हैं, अभी हवा नहीं चल रही, बादल हैं प्रॉपर, और कभी धूप होती है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी धूप हो जाती है, ऐसे ही है, तो अजीब सा मौसम है। लेते ही 6 पुत्रों को मार दिया, कितने? अच्छा बताओ, तुम कन्हैया के भक्त हो कि कंस के? जो खड़े हैं वो बताएं, किसके भक्त हो? तो साथ साथ में मैंने सुबह से, जब मैं अपना घर का काम करती हूँ ना, तो ऐसे ही मैं कथा वगैरह या ऐसी ही कुछ चीज़ें लगा के सुनती रहती हूँ, साथ साथ में अपने काम करती रहती हूँ, थोड़ा सा अपना अपने को ज्ञान भी प्राप्त होता है और थोड़ा माइंड भी ठीक रहता है, वरना दिमाग में दूसरी बातें चलती रहती हैं। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में जब भी अपना काम शुरू करती हूँ तो फिर अपनी कथा वगैरह ऐसी ही चीज़ें लगा लेती हूँ, किसी की भी आ रही हो, पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं कि नहीं कि सुननी है, जो है कोई भी ज्ञान दे, कहीं से भी मिले तो ज्ञान को ले लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं फिर मॉर्निंग में ऐसे ही करती हूँ, मेरे को अच्छा भी लगता है, थोड़ी पॉजिटिविटी सी बनी रहती है। तो उसके बाद अब कपड़े वगैरह मेरे हो गए थे, फर्स्ट लोट हो गया है, बस अब मुझे कर्टन्स डालने हैं। तो कर्टन्स की जो रिंग्स होती हैं उन सबको मैंने अच्छे से ऊपर से बांध दिया है, जैसे कि मैं बांधती हूँ हमेशा, उसको बांध के मैंने डाल दिया है वॉशिंग में, बस ये सेकेंड लोट हो जाएगा, देन फर्स्ट वाला मेरा हो गया है, उसको मैं सुखा दूंगी, तो अब मेरा काम डन है। सेकंड वाला मैंने डाला है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं अपना लंच बना लूँगी। तो लंच में मैं बनाने वाली हूँ आज साबुत उड़द की दाल और चने की मिक्स करके, और साथ में बैंगन भाजा बनाने वाली हूँ। तो अभी प्याज लहसुन वगैरह छीलना था, तो वही मैंने छील रही हूँ, और ये मेरा हाथ कट गया था कल, जो कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है ना, उसमें कोई पत्री सी निकली हुई थी, तो एकदम से मेरे हाथ में लग गया, और एकदम से इतना बड़ा कट लगा ना, पहले तो ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही थी कितनी देर, तो फिर बाद में बैंडेड वगैरह डिटॉल वगैरह लगा के थोड़ी सी ब्लीडिंग बंद हुई। तो फिर अब मैं काम कर रही हूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ें करनी हो ना, जैसे प्याज है या जो टमाटर होता है उसका जूस वगैरह लगता है, तो बहुत पेन करता है, एकदम से बहुत ईचिंग होती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लहसुन और प्याज छील रही हूँ, और उसमें थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा जाता है, तो इसीलिए लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा छील रही हूँ। और आज मैं बहुत ही अच्छी वाली रेसिपी बनाने वाली हूँ, बच्चों को सबको घर में बहुत पसंद है बैंगन भाजा, मेरे हस्बैंड बैंगन लेके आए थे। तो बड़े आज वाले मैं बनाने वाली हूँ बैंगन भाजा, उसके लिए मैंने बैंगन को राउंड राउंड सर्कल्स में ऐसे काट लिया है। तो अब मैं इसको एक मसाले की कोटिंग दूंगी, उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, देन जब ये अच्छे से कोट हो जाएगा फिर इसको
उसमें ऑयल में थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे दोनों तरफ पलट पलट के इसको सेक लेंगे रेड होने तक। तो सबसे पहले इसमें मैं मसाले लगा के इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, और ये मैंने डाला है धनिया पाउडर, और साथ में ही मैं जो मेरी मसाला दानी है उसमें भी धनिया पाउडर ख़त्म था तो उसको रिफ़िल कर रही हूँ। तो उसके बाद डाली है थोड़ी सी हल्दी और डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर बस, और साथ में नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखना है, देन फिर उसके बाद अपना तेल डाल के थोड़ा सा हल्का सा उसको आप दोनों तरफ से सेक लीजिए, और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और सेकने के बाद जब प्रॉपर आपका सिक जाएगा, लाल लाल सा हो जाएगा दोनों साइड से, और उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा अमचूर लगा दें तो बहुत ही मस्त वाला टेस्ट आता है। दाल चावल के साथ तो इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत ही यम्मी लगता है। पराठा के साथ आप इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, दाल रोटी के साथ ये बहुत अच्छा जाता है और बहुत ही मस्त वाला बनता है। हमारे घर में तो सबको पसंद है। तो ये मैंने इसको कोट कर दिया है अच्छे से, अब ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट में जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी बीच में से स्लिप। तो ये अच्छे से कोट हो गए हैं, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूंगी, देन फिर इसको सेक लेंगे। तो जब तक उधर वो हो रहे हैं कोट, तो मेरी दाल उबल हो चुकी है, तो अब मैं तड़का लगा रही हूँ। मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में डाला है जीरा और हींग। हींग मैं एवरेस्ट की यूज़ करती हूँ या फिर कैच की यूज़ करती हूँ, दो ही तरह की हींग मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने ऐसे बड़ी बड़ी डाल दी हैं मिर्ची, हरी मिर्च, और साथ में मैंने डाल दिया है प्याज। तो इनको थोड़ी देर भून लेना है, जैसे ही थोड़ा सा हो जाएगा देन इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट का जो मैंने कूट लिया था थोड़ा सा, तो बस उसी को ऐड करेंगे। लहसुन मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि ये उड़द की दाल है, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, तो इसलिए। तो प्याज मेरे भुन गए थे, लहसुन अदरक सब भुन गया अच्छे से, अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर भी बहुत अच्छे से भून लूँगी मैं, और इसमें ऐड कर दूँगी मसाले। जब थोड़ा भून जाएगा मैंने डाला है हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर और नमक, नमक दाल में भी डाला था इसलिए थोड़ा हिसाब से नमक डाला है। देन इसमें ऐड कर दूंगी मैं दाल, और बहुत ही टेस्टी वाली दाल बनी थी, साबुत उड़द और चने की दाल दोनों को मिक्स करके बनाया था, काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा था, लंगर वाला टेस्ट होता है ना जो लंगर में मिलती है दाल, वैसा ही कुछ टेस्ट था। तो बस तड़का मेरा रेडी हो गया है, अब इसमें मैं दाल डाल रही हूँ। दाल डालने के बाद इसमें थोड़ी देर इसको पका लूँगी, देन फिर हम चलेंगे बैंगन की तरफ। तो मैंने बैंगन बनाने के लिए लिया है पैन, पैन में सिर्फ 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने, आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो आप उसी का इस्तेमाल करें। साथ में थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ी सी डाली है हींग। तो बस इतना हो गया है, और तेल गरम हो गया है, पैन गरम है, बस इस तरीके से आप जो बैंगन आपने कोट करके रखे थे मसाले में उसको इस तरीके से लगा दीजिए, और पलट पलट के कभी इधर साइड कभी उधर साइड दोनों तरफ इसको अच्छे से रेड होने तक पका लीजिए। और जैसे ही आपका पक जाएगा ये प्रॉपर, तो लास्ट में सारे डाल के बैंगन के पीसेस जितने भी हैं आपके वो डालने के बाद इसमें अमचूर ऐड करके थोड़ा सा मिक्स दे दीजिए, और आपका बैंगन भाजा मस्त वाला रेडी है। और उधर दाल में मैं डाल रही हूँ धनिया, बहुत ही इजी वाली रेसिपी है और क्विकली बन जाती है, और खाने में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देती है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है। तो ये देखिए मैं एक साइड से हो गया था थोड़ा क्रिस्पी, तो मैं इसको पलट रही हूँ, पलट पलट के इसको पका लेंगे थोड़ी देर। तो ऑयल का आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा डालना है ज़्यादा डाल लीजिए, कम डालना है कम, हो सके तो नॉनस्टिक में बनाइए तो कम से कम तेल का इस्तेमाल होगा, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी वाला फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे बैंगन मेरा तैयार है, इसमें से बीच में से मेरा एक क्लिप मिस हो गया जिसमें मैंने सारे बैंगन फ्राई करके और उसमें अमचूर मिलाया था, तो वो क्लिप मिस है,
एनीवेज बनाना तो वैसे ही है, सेम मैंने तरीका आपको बता ही दिया है। दाल चावल दाल रेडी है, सब्ज़ी रेडी है, अब बस मैं चावल डाल रही हूँ कुकर में और इसको चावल बन जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे लंच और इसी के साथ मैं करूँगी अपने वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।